कभी कभी इंसान का गुस्सा उससे वो सब करा देता है जिसके बारे में वह सोच भी नहीं सकता। मध्य प्रदेश के अनपपुर जिले से एक ऐसा ही रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक पति ने अपनी पत्नी से बदला लेने और अपनी साली को साथ रखने के लिए अपनी 3 साल की मासूम बेटी की गला दबा कर हत्या कर दी। बाद में उसे अपने किए पर पछतावा हुआ तो वह मासूम के शव को सीने से लगा कर थाने पहुंच गया। इसके बाद रोते हुए अपने जुर्म के पीछे की कहानी बयां की। दरअसल यह रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात अनूपपुर जिले के बमहानी थाना क्षेत्र के टोला गाँव की है। यहाँ के रहने वाले 35 साल का संतराम बेटी गायत्री के शव को लेकर सोमवार सुबह 11 बजे थाने पहुँचा। युवक के हाथ में मासूम बच्ची का शव देखकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए। बताया जाता है कि हत्या के बाद उसने अपनी बेटी के शव को कंधे पर लिया और उसे दुलार किया। बच्ची को प्यार करते हुए वह फूट फूट कर रो भी रहा था और उसे ऐसा करने पर पछतावा भी हो रहा था। पुलिस अधिकारियों से युवक ने कहा, आपको जो सजा देनी हो दे दीजिए क्योंकि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। पुलिस के सामने शव रख कर उसने अपना जुर्म कबूल किया और फिर बात बताई। संतराम ने बताया कि वह अपनी साली से प्यार करने लगा था, जिसका पता जब पत्नी को चला तो वह आए दिन उससे झगड़ा करती थी। सोमवार सुबह घटना को अंजाम देने से पहले मेरे और मेरे पत्नी के बीच इस बात को लेकर जमकर विवाद हुआ था। आरोपी ने बताया कि रोज रोज के झगड़े से तंग आकर बेटी को सुबह वह घर से करीब 5 किलोमीटर दूर जंगल ले गया। वहां जाने के बाद मेरे दिमाग में पत्नी से विवाद की बातें गूंज रही थी, बस इसी गुस्से में आकर बेटी का उसने गला दबा कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कहा मारा उन्होंने बेटी को? पता नहीं साहब, मोला कहते चल किरंगी चल किरंगी ऐसे कहे जी। तब मैं हने चलता ऐसे कह के, तब फिर वह मोला कहते चल रेंग ते मैं आ तू पाछू ले ऐसे कहे। तब मैं आगू आगू रेंगते गयो